आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। देश आज करगिल विजय दिवस की 22वीं सालगिरह मना रहा है। भारत के रणबांकुरों ने पाकिस्तान को करारी मात दी थी, उस इतिहास को आज याद करने का दिन है। इस मौके पर पीएम मोदी ने भारतीय सेना के शौर्य को सलाम किया और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी करगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं भारतीय सेना के अदम्य शौर्य पराक्रम और बलिदान को नमन करता हूँ ये बात कही। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी इस मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। विजय दिवस के मौके पर भारतीय आर्मी की ओर से खास ट्वीट किया गया है। सेना ने जिस तरीके का ट्वीट किया है, तमन्ना भी कुकरेती की कुछ पंक्तियां ट्वीट की है। करगिल की चोटियों पे दुश्मन को हमने झुकाया है, हिंद के वीरों ने हमें लहू से तिरंगे को फहराया है। आपको बता दें कि विजय दिवस के मौके पर हर साल करगिल के द्रास में स्थित वॉर मेमोरियल पर खास कार्यक्रम होता है। सोमवार को भी जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और अन्य वरिष्ठ लोग खास कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि 1999 में करगिल की पहाड़ियों पर भारत और पाकिस्तान के बीच में खौफनाक जंग लड़ी गई थी। पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ की थी, भारतीय इलाकों पर कब्जा जमा लिया था, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। मई में शुरू हुई जंग को जुलाई तक खत्म कर दिया गया था। 26 जुलाई को भारत ने जीत का ऐलान किया था। आज देश 22वां करगिल दिवस मना रहा है। ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये देश को याद करने वाली। कर्नाटक के सीएम बीएस येदुरप्पा भी शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपके सामने एएनबी न्यूज की टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें शहादत वीर शहीदों को दी जा रही है। रणबांकुरों को याद किया जा रहा है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। सीएम, कर्नाटक के सीएम खुद आज शहीदों को याद कर रहे हैं। आज पूरा देश शहीदों को याद कर रहा है, करगिल के वीर जवानों को याद करने का दिन है। आपको बता दें कि 26 जुलाई को पूरा देश करगिल विजय दिवस मनाता है और 26 जुलाई एक ऐसा दिन है जब हमारे सैनिकों ने अपनी शहादत देकर पाकिस्तान पर विजय पाई थी। पाकिस्तानियों को हराया था, आतंकवादियों को हराया था, आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। वो एक ऐसा समय था जब आतंकवादियों ने कब्जा जमा लिया था कुछ इलाकों में, जिसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। 22 साल हो चुके हैं, 22 साल पहले करगिल दिवस जैसी लड़ाई जंग हुई थी, आज उसी का दिवस मनाया जा रहा है। हर साल इसी तरीके से शहीदों को याद किया जाता है, हर साल इसी तरीके से श्रद्धांजलि दी जाती है, हर साल उस पल को याद किया जाता है जब हमारे देश के वीर जवानों ने ये फतेह हासिल की थी, जब हमारे देश के वीर जवानों ने आतंकवादियों के छक्के छुड़ाए थे। आज उन रणबांकुरों को याद किया जा रहा है, आज उनको याद करने का दिन है। पूरा देश आज उनको नमन कर रहा है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीएसएफ के रिटायर्ड कमांडेंट इस समय ललन सिंह जुड़ चुके हैं। ललन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ललन जी, आज एक ऐसा दिन है जब शहीदों को याद किया जा रहा है, पूरा देश आज उन शहीदों को याद कर रहा है जिन्होंने आतंकवादियों के छक्के छुड़ाए थे। आज पूरा देश उन शहीदों को याद कर रहा है जिनको हमारे देश के हर भारतवासी को गर्व है, हर कोई उन पर गर्व करता। हालांकि हम हर साल इस दिवस को मनाते हैं, लेकिन बहुत खास हो जाता है जब हम गर्व से उन शहीदों को याद करते हैं। कैसे आप याद कर रहे हैं? आज आन बान और शान इसका दिवस है और पूरा देश ही नहीं, दुनिया में भारत की सैन्य ताकत की उदाहरण के तौर पर इसको माना जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कारगिल का जो ऑपरेशन था, लगभग 2 महीने वो चले थे और उसमें पाकिस्तान एक तरह का कॉन्वेंशनल वार नहीं, वो आतंक के साथ और चोरी छुपे नापाक इरादों के साथ अपना एक प्लानिंग के साथ आया था।
लेकिन आज के दिन हम लोगों ने उस पाकिस्तान को पूरी तौर पे धूल चढ़ाते हुए वापस कर दिया था, और आज का दिन इसलिए हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उस कैप्टन बत्रा को भी याद करता हूँ जिसने चिट्ठी लिखा था कि चाहे तिरंगा मैं लपेट कराऊंगा या तिरंगा फहरा कराऊंगा, लेकिन मजे की बात उस बहादुर ने दोनों काम अंजाम के साथ पूरे किए हुए। उन्होंने झंडे भी फहराए और तिरंगे में अपने आप को देश को समर्पित भी किया। ये हमारे लिए और देश के लिए बहुत बड़ी शान और गर्व की बात है। पूरा देश आज इनको शहादत को नमस्कार कर रहा है। तीनों सेना प्रमुख, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय पहुंच चुके हैं, लेकिन किसी कारणवश वहां की जो मौसम है बहुत खराब है। जैसा पता चला है कि द्रास में ये जो कार्यक्रम है उसमें वो भाग न ले पाए, लेकिन और पूरी देश हर तरह के कार्यक्रम से मुस्तैद है। और काजल जी, आज का दिन हम गर्व से बोल सकते हैं कि हमारी ताकत ऐसी है कि हमारे ऊपर कोई नजर नहीं डाल सकता। बिल्कुल, और हम खुद उन शहीदों को याद कर रहे हैं, हम खुद उन शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्योंकि हर एक भारतवासी के लिए गर्व की बात है, हर एक देशवासी के लिए ये गर्व की बात है। हालांकि सिर्फ करगिल के शहीदों को याद करना गर्व की बात नहीं है, बल्कि हमारे लिए उस एक एक शहीद को याद करना गर्व की बात है जिसने हमारे देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं, अपने आप की बलि दे दी है, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, पूरे देश के बारे में सोचते हुए अपने देश के लिए जंग लड़ी और शहादत दे दी है। लेकिन हम आमतौर पर देखते हैं कि भारत ने विजय कई बार हासिल की है, जब जब विजय हासिल की है तब तब आतंकवादियों को मुंह की खानी पड़ी है, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन वो बाज नहीं आता है। हम आए दिन देखते हैं कहीं ड्रोन की घटनाएं होती हैं, कहीं सीज फायर का उल्लंघन होता है, शहादत भी लगातार देखने को मिलती जाती है। वो जो हरकतें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सबक सीखने के बाद भी पाकिस्तान पीछे नहीं हटता है, वो नापाक हरकतें बरकरार रहती हैं। ये पक्की बात है, आपने जो कहा है उसमें दम है, अदम्य साहस और पराक्रम का ये आज का दिन पूरे देश को और दुनिया को बताने के लिए काफी है कि हमारे वो लोग जो सीने पे छाती तान के। चर्चा पर वापस आते हैं, हमारे साथ ललन जी लगातार बने हुए हैं। ललन जी अपनी बात पूरी करिए, क्योंकि हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं और तस्वीरें ये पूरे देश को दिखानी बहुत अहम हो जाती हैं। आज का दिन बेहद खास है, मुख्यमंत्री खुद श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और हर एक भारतवासी आज शहादत को याद कर रहा है। एकदम आपने सही कहा, आज जरूरी है कि देश में एक जागरूकता पैदा हो, और ये जागरूकता मीडिया के थ्रू ही पैदा होता है। आज पराक्रम का पर्व है, जैसे हमारा कोई राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त, 26 जनवरी और धार्मिक, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसी तरह आज हमारा ये दिन पराक्रम का पर्व है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि युगंधर यादव जो कि टाइगर हिल के ऊपर 7 लोगों के साथ उस पे झंडा फहराने के अंतिम अंजाम में थे, तो 6 जो थे उनकी शहादत हो गई, लेकिन वो सुबेदार जो यादव थे उन्होंने अकेले 20-22 पाकिस्तानियों को धराशायी किया और झंडे को फहराया, और उनको भी 8-9 गोलियां लगी थी। उस समय उनकी उम्र केवल 1920 की थी। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे ललन जी, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे और ब्रेक के बाद चर्चा यहीं से शुरू होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आज करगिल विजय दिवस पूरा देश मना रहा है, हर कोई शहादत को याद कर रहा है, हर कोई उन वीर सपूतों को याद कर रहा है जिन्होंने हमारी खातिर, हमारे देश के खातिर अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया था। हमारे साथ इस समय ललन सिंह जी लगातार बने हुए हैं। ललन जी अपनी बात पूरी करिए, क्योंकि उन शहीदों के बारे में आप बता रहे थे जिनको आप जानते हैं, जिनके बारे में आपको पता है, पूरा देश भी जानना चाहता है। जो कैप्टन सूबेदार योगेंद्र यादव, ऐसे हमारे पास एक टोली थी जिन्होंने पीठ के ऊपर और पैरों के ऊपर बारूद और गोले बांधकर 32 केजी के वजन के साथ इतनी ऊंची पहाड़ियों पर गए, और हम उसी पराक्रम पर्व को मनाने के लिए इसलिए मौजूद हैं, इसलिए हम इकट्ठे हैं, उन्होंने अपनी जान और पूरी देश के लिए एक अंजाम का रास्ता प्रदर्शित किया। मैं आप
लोग थे उनको भी पोर्टर के तौर पे बहुत बढ़िया इस्तेमाल हमारी सेना ने किया था। और आपको जानकारी के तौर पर याद दिलाना चाहूंगा कि पोर्टरों ने इतनी अच्छी काम की, उनको 15 दिन की ट्रेनिंग दी गई और उसी 15 दिन की ट्रेनिंग में हमारे जवानों के साथ मिलकर लॉजिस्टिक का पूरा सामान उस हाइट के ऊपर पहुंचाया और पाकिस्तानी सेना को धराशायी और उनको वापस अपने लोकेशन में भेजने में कामयाब हो गए। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान बहुत चोरी छुपे से ये लगातार कारगिल, द्रास और बाटली के एरिया में अपनी कार्रवाई कर रहा था, लेकिन भारतीय सेना और इंडियन एयरफोर्स दोनों के तालमेल से और जो वहां के लोकल जिनको टाइगर ग्रुप बनाया गया था इनके मदद से आज का दिन हम सीना तान के हम पूरे भारतीय ये कह सकते हैं कि हमारे तरफ अगर किसी ने नजर भी उठाया तो यही होगा जो कारगिल में हुआ था। और रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय द्रास में नहीं पहुंच पाए, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां की जो मौसम है अभी इतनी खराब है तो सोचिए तो उस जमाने में जब लड़ाई चल रही थी 2 महीने की तो क्या था। एक बताता हूं, मेजर उन्नी कृष्णन बिहार रेजिमेंट का जो 29 मई को अपने दल बल के साथ गश्त में था, उनके ऊपर बहुत बुरी तरह से पाकिस्तानियों ने अपने गोले बारूद लगाए, लेकिन जान तो उनकी गई देश के लिए, लेकिन उन्होंने पूरी चीज कंफर्म कर दी कि इस इलाके में जो पाकिस्तानी हैं इस तरह के बंकरों में बैठे हैं। और उसका रिजल्ट हमारे 26 आज का दिन हमारे सामने है। और ये पूरे सादत जिन्होंने भी इस सेना की मतलब जद्दोजहद में शामिल रहे उनको सबको हम श्रद्धांजलि देते हैं और उन सभी फौजियों को नमस्कार करते हैं, जय हिंद करते हैं कि आपके बदौलत हम सुख शांति से, जैसा आपने भी बताया, पूरा देश आज आराम से अपनी विकास के तरफ आगे बढ़ रहा है और यही आज की जरूरत है। हमारे साथ इस समय रिटायर्ड मेजर डॉक्टर आशीष चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ANB न्यूज पर। डॉक्टर आशीष, सबसे पहले सवाल मेरा, कैसे आप उन शहीदों को याद कर रहे हैं जिनको आज पूरा देश याद कर रहा है, जिन्होंने हमारी खातिर, हमारे देश की खातिर अपने आप को न्योछावर कर दिया, आज गर्व है पूरे देश को उन पर। निश्चित रूप से आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है क्योंकि एक बहुत ही ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी गई थी 1999 में, जिसको हमारे लिए वो ऐतिहासिक इसलिए भी थी क्योंकि पहले तो ये एक विशेष रूप से लड़ा गया युद्ध था क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर का युद्ध था। आमतौर पे इतनी हाइट्स पे युद्ध बहुत कम हुए हैं और इतने कम समय में आपकी बात पूरी करेंगे मेजर आशीष, आपकी बात पूरी करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना होगा, जल्द हाजिर होंगे। और मुद्दे पर वापस आते हैं, दोनों खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर आशीष जी, अपनी बात पूरी करिए आप। ये बहुत ही ऐतिहासिक लड़ाई थी क्योंकि इतने कम समय में, मात्र 2 महीने के अंदर 3 मई को इस लड़ाई की शुरुआत होती है और लगभग 26 जुलाई तक जो है पूरी तरीके से जो अतिक्रमण किया गया था पाकिस्तान की सेना द्वारा और आतंकवादियों द्वारा, उसको 2 महीने के अंदर जो है हम लोगों ने वहाँ से हटा दिया था। और आपको ये भी बता दूं, जो कारगिल की पहाड़ियाँ हैं, बहुत ऊंची पहाड़ियाँ हैं, उन पे पेड़ नहीं होते हैं, आड़ नहीं होती है, नंगी पहाड़ियाँ होती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो ऊपर बैठा व्यक्ति होता है चोटी के ऊपर, वो जब नीचे देखता है तो वो 3-4-5 किलोमीटर तक बिल्कुल साफ देख सकता है और जो नीचे से ऊपर आ रहा है उसके ऊपर अगर वो पत्थर भी ऊपर से फेंकेगा तो वो भी गोली की तरह आके उसे लगेगा। तो इतनी विपरीत परिस्थितियां, जहाँ इतना ठंड हो, इतनी हवा हो, कोई कवर ना हो, ऊपर बैठा आदमी जो है बंकर जो संगर होते हैं उसके अंदर बैठ के आपके ऊपर गोलियां चला रहा हो, पीछे से आर्टिलरी शेलिंग कर। मेजर आशीष, आप मेरी बात सुन पा रहे? लगता आवाज सुन तक नहीं पहुंच पा रही। ललन जी, आपसे मेरा सवाल होगा, जो शहादत हो चुकी है उनके जो परिवार वाले हैं वो भी एक तरीके से फौजी ही होते हैं क्योंकि अपने परिजनों को वो बॉर्डर पर भेजते हैं और वो उस गम को सहते हैं, हालांकि गर्व करते हैं कि देश की खातिर उनके परिवार के लोगों ने शहादत दी है। उन परिवारों को क्या कहना चाहेंगे आप? परिवार को
हमारे पूरे देश की तरफ से हम उनको सम्मान ही नहीं दे रहे, उनके साथ होने की शपथ लेते हैं। और हमारी जो मंत्रालय है, चाहे वो रक्षा मंत्रालय हो, गृह मंत्रालय हो, या देश का कोई भी पदाधिकारी हो, वो हमेशा उसका ख्याल रखते हैं। मैं इस बात को मानता हूँ और जानता भी हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो फौजी होते हैं उनसे भी बढ़ चढ़ कर उनका परिवार होता है, जो सेक्रीफाइस करता है, वो बोलते हैं मरने का पता नहीं कैसा और कब मरे, लेकिन जीना कैसा हुआ उसके ऊपर हमारा गर्व है। और ये फौज में लोग बोलते हैं कि जीने का जज्बा होना चाहिए, मरने के बाद जो होगा वो बाद की बात है। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनका जो परिवार है वो बहुत गर्व महसूस करता है। आपने देखा कितने अधिकारियों की जो पत्नियां हैं वो कमीशन ले ली है, 147 सिविल सर्विस की जो महिलाएं हैं वो कन्फर्म हो गई परमानेंट कमीशन में। ये देश का तजुर्बा ही है और एक देश का जज्बा है। मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो फैमिली ट्रेडिशन है फौज का, मैं 3 जनरेशन फौज में रह चुका हूँ, मेरे पिताजी, मैं और मेरा बेटा। तो कहने का मतलब हमारे देश में ये उदाहरण और पता चलता है कि अगर हम फौज में हैं तो हमें गर्व महसूस होता है और सम्मान भी मिलता है। और मैं एक चीज ये आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि भारत आज इतने सैन्य शक्ति से मजबूत क्यों है, क्योंकि हमारी दुनिया में हमारे जवानों की एक काबिलियत का लोग गुणगान गाते हैं। सीमाओं में अगर हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि भारत की सेना है, ये बहुत सभ्य और बहुत तरीके से काम करती है, मिनिमम फोर्स मैक्सिमम एफर्ट। उसी तरह से भारत का सैन्य, चाहे बाहरी खतरा हो या आंतरिक खतरा हो, सबके अंदर वो मुस्तैद है। और आज का दिन इसी बात को जोश और ताकत देता है, जिससे हम पक्का इरादे के साथ अपनी ताकत को बनाए रखें और किसी भी दुश्मन को आने में मजबूर ना, उसको खात्मा करने की काबिलियत रखते हैं। चलन सिंह जी, ठीक है, आऊंगी आपके पास। इस समय हमारे साथ मेजर आशीष जी भी जुड़ चुके हैं। मेजर आशीष, आज का जो दिन है, ये दिन देखकर अगर हम आने वाले भविष्य की बात करें, आने वाला जो भविष्य है सेना का, जो छात्र होते हैं वो फौजी बनना चाहते हैं, सेना में जाना चाहते हैं, लेकिन आज का जो दिन है, करगिल दिवस देख लिया जाए, या फिर लगातार हम देखते हैं कि शहादतें होती रहती हैं, उन छात्रों को आप क्या कहेंगे जो कि आने वाले समय में फौजी बनना चाहते हैं, क्या संदेश देंगे? अपनी तैयारी करिए। और आज भारतीय सेना में जितने लोग आ रहे हैं काफी कमी है उसकी, और कमी न केवल आने वालों की कमी नहीं है, बल्कि देखा जाए तो जिस तरीके के लोग आने चाहिए उस तरीके के लोग जो हैं आज सेना को नहीं मिल पा रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं सरकार को ये देखना होगा कि जो सेना है वो युवाओं के लिए एक सुनहरा भविष्य, एक सुनहरा जॉब का ऑप्शन बने, तो उस तरीके की सुख सुविधाएं जो लोग सेना में आए उनको मिले। क्योंकि आजकल लोग कंपेयर करते हैं प्राइवेट सेक्टर जॉब से, अगर उनको सैलरी जो है वहां ज्यादा दिखेंगी और आराम की जिंदगी वहां ज्यादा दिखती है तो लोग जो है वो उस तरफ चले जाते हैं, इस तरफ कम आते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये देखना होगा कि भाई जो आप सुख सुविधाएं, फैसिलिटीज, सैलरी जो दे रहे हैं सेनाओं को, तो उनको जो है आपको कहीं ना कहीं बढ़ाना होगा, जिससे कि और ज्यादा लोग इसमें आए। और उसका जो मान सम्मान कहीं पिछले कुछ सालों में गिरता चला जा रहा है, आप देख रहे हैं कि जो भी एक माहौल बन जाता है कि लोग जो हैं अपने फायदे के लिए नेताओं, ब्यूरोक्रेसी या पुलिस के आगे पीछे चक्कर लगाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रभाव जो है लोगों की सोच पे पड़ता है और उस सोच से वो उसी दिशा में जाना चाहते हैं, वो सेना की तरफ नहीं उतना ज्यादा रुख करते हैं। तो ये एक सोचने वाला विषय है कि आने वाले भविष्य को हम किस तरह बनाना चाहते हैं। तो जब तक हम उस पर काम नहीं करेंगे, अभी से हम आने वाला भविष्य जो है अपने देश का नहीं सुधार पाएंगे। यही सवाल मेरा आपसे भी होगा आने वाले भविष्य को लेकर, क्योंकि कई छात्र ऐसे हैं जो कि फौजी बनना चाहते हैं, लेकिन जब ऐसे शहादत वाले दिन उनके सामने आते हैं, आए दिन हम सुनते रहते हैं कि शहादत हो गई है, इतने जवान शहीद हो गए हैं, तो उनके दिमाग पर थोड़ा असर पड़ता होगा। कैसे आप उनको मोटिवेट करेंगे, क्या संदेश देंगे? देखिए, मेरा सोचने का अपना तरीका है मैडम। मैं ये बोलता हूँ, शहादत तो थोड़ा दुख नहीं पूरा दुख होता है, लेकिन उस पर गर्व भी होता है। मैं मानता हूँ कि हमारे लोगों के बीच में जब कोई शहादत होती है तो उसके परिवार को बहुत कष्ट होता है, लेकिन यह
ये तो दुनिया का नियम है कि किसी को देश के लिए, किसी को कृषि के लिए, किसी को इंजीनियरिंग के लिए, किसी को मेडिकल के सेक्टर में। लेकिन आप इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में जाइए, मेरे बेटे का 2005 में परमानेंट कमीशन के टाइम में जब मैं गया, मैं एक अर्धसैनिक बल का अधिकारी था, लेकिन मुझे लगा कि मैं अगर जवान होता, अगर मुझे यहाँ मौका मिलता तो मुझे कितना अच्छा लगता। मैं कहता हूँ अर्धसैनिक बल उससे भी बेहतर सेना। और जब आईएमए देहरादून को पासिंग आउट परेड देखता है आदमी, तो पता चलता है इसकी क्या काबिलियत है और किस तरह से वो बहादुरी के साथ अपने जज्बा को पूरा करता है। मैं यकीन आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि कुछ नहीं, देश तैयार है सेना और सेना में काम करने के लिए, उसको कोई दिक्कत नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ललन जी। मेजर आशीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और देश को संदेश देने के लिए, क्योंकि आज का दिन बेहद खास हो जाता है, हमारे शहीदों पर गर्व करने वाला दिन है, क्योंकि आज का दिन वो है जब हमारे शहीदों को याद किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, देखते रहिए ANB News। नमस्कार।